نحمد ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فقال في مقام اخر ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وقال في مقام آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدق الله العظيم. जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हर जुमे के दिन बाद नमाज मगरिब मजलिस ज़िक्र के अंदर ये अकीदा तहाविया का बाकायदा दर्स दिया जाता है, जिसमें अकायद की दुरुस्तगी और अकायद की इस्लाह की जाती है। बार बार यानी अकायद की इस्लाह का यानी इस्लाह की अहमियत का बार बार ज़िक्र किया जाता है, क्योंकि अकायद की इस्लाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमाल के अंदर कमी पेशी हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अकायद के बारे में किसी किस्म की कोई छूट नहीं है। अगर ज़रा सा भी अल्लाह के बारे में कोई अकीदा गलत हो गया तो सारे के सारे आमाल तो ज़ाय होंगे ही होंगे, साथ साथ हमेशा हमेशा जहन्नम भी मिल जाएगी और फिर जहन्नम से निकलना जो है वो नामुमकिनात में से हो जाएगा। आज जो हम पढ़ेंगे अकीदा नंबर 66, अकीदा नंबर 67, 68 तीन अकायद आज हम पढ़ेंगे। पहला जो अकीदा है वो उसूल दीन के बारे में है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने इसका यूं बयान फरमाया है, वल ईमान वल ईमान बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्र खैरिही व शर्रिही व हुलूबिही व मुर्रिही मिनल्लाहि तआला। के ईमान क्या चीज़ है, इससे पहले इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने ईमान की तारीफ़ ज़िक्र फरमाई और ईमान के आसार वग़ैरह उनका ज़िक्र फरमाया। अब ईमान के लवाजमात क्या हैं और ईमान के यानी ज़रूरियात दीन क्या चीज़ें, अल्लाह तबारक व ताला यानी अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान लाना, फ़रिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, आखरत के दिन पर ईमान लाना, इसी तरह तकदीर पर ईमान लाना और तकदीर का अच्छा और बुरा होना यानी तकदीर का मीठा होना या कड़वा होना, ये भी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से है और इस पर भी ईमान लाना, ये उसूल दीन है। यानी इन चीज़ों पर मुकम्मल तौर पर ईमान लाना ज़रूरी है और इसी तरह बास बाद अल मौत पर ईमान लाना, ये सारी की सारी मबाहस पीछे सारी तफसीलन गुजर चुकी हैं, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने ज़िक्र फरमाई ज़िक्र की गई हैं जो इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने ज़िक्र फरमाई हैं, ये उसूल दीन में से हैं। यानी इन पर ईमान लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे कोई छुटकारा नहीं है कि कोई आदमी ये कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ फ़रिश्तों पर ईमान नहीं लाता, या मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ कुरान पर ईमान नहीं लाता, या अल्लाह पर ईमान लाता है रसूलों पर ईमान नहीं लाता, इसी तरह या आखरत के दिन पर ईमान नहीं लाता, या तकदीर पर ईमान नहीं लाता, किसी एक चीज़ का भी इनकार करता है तो उसका दीन जो है वो मुकम्मल नहीं होगा, ईमान जो उसका मुकम्मल नहीं होगा। तो इन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। और इसी तरह इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने फरमाया, व हुलूबिही व मुर्रिही, यानी अच्छी और बुरी तकदीर जो यानी उसके यानी तकदीर बाज़ औक़ात ऐसे होगी कि आप उससे खुश हो जाएंगे कि मेरी किस्मत अच्छी है, मैं अच्छी किस्मत वाला हूँ, मैं अच्छी तकदीर वाला हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ें नसीब की हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे होगा कि अल्लाह तबारक व ताला वो चीज़ें नसीब नहीं करेंगे तो आप कहेंगे मेरी किस्मत बुरी है, मेरी तकदीर में इस तरह था। तो ये सारे का सारा अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से होता है और अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से जो कुछ होता है वो इंसान के लिए बेहतर ही होता है। बाज़ औक़ात इंसान को
छोटी तकलीफ में डाल दिया जाता है और अल्लाह तबारक व ताला उसको बड़ी तकलीफ से बचा लेते हैं। बाज़ औक़ात इंसान को अल्लाह तबारक व ताला बीमारी के अंदर डाल देते हैं और साल हा साल दस दस साल तक वो चारपाई पर पड़ा रहता है और वो समझता है कि अल्लाह ताला ने शायद मुझे अज़ाब के अंदर मुब्तला किया हुआ है, हालांकि उस बीमारी के अंदर भी अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। यानी यूं ही जिस तरह पहले हमने हदीस मुबारक पढ़ी थी जिसके अंदर ये जिक्र किया गया कि अगर इंसान को कोई चीज़ ढूंढनी है और वो एक जेब के अंदर हाथ डालता है उसको नहीं मिलती और वो दूसरे जेब के अंदर मिल जाती है, तो इतनी जो इंसान को तकलीफ़ होती है इस पर भी इंसान के गुनाह माफ़ किए जाते हैं। यानी अल्लाह तबारक व ताला को इतनी तकलीफ़ भी बर्दाश्त नहीं होती कि इंसान इतनी देर के लिए भी परेशान हो, तो इतनी देर जो परेशानी होती है इस पर भी गुनाह माफ़ किए जाते हैं। एक कांटा चुभ जाए तो उस पर भी अल्लाह तबारक व ताला गुनाह माफ़ करते हैं, लेकिन जो कुफार थे वो ये समझते थे कि यानी अल्लाह तबारक व ताला पर वो यकीन तो रखते थे कि अल्लाह तबारक व ताला एक ज़ात है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के साथ वो शिर्क के अंदर मुब्तला थे। जो मुशरिकीन मक्का थे वो शिर्क के अंदर मुब्तला थे, उनको पता था कि अल्लाह एक ज़ात है यानी अल्लाह पर वो यकीन रखते थे। जब उन पर कोई अच्छे हालात आते, कुछ अच्छे वो अच्छी चीज़ें उनको मिल जाती, अच्छे हालात उन पर आते और वो खुश होते तो वो कहते हाज ही मिन इंदिल्लाह कि ये तो अल्लाह की जानिब से है, यानी अल्लाह तबारक व ताला को हम पसंद आए हैं, अल्लाह तबारक व ताला को फ़ेल हमारा पसंद आया है तो अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इनामात से नवाजा है और ये अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से। और जब उनको कोई बुराई पहुँचती, कोई मुसीबत पहुँचती या किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुँचती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना देते थे हाज ही मिन इंदिक कि ये तेरी तरफ से है, तेरी नऊज़ु बिल्लाह नऊसत की वजह से है, ये तेरी वजह से हम पर मुसीबत नाजिल हुई है, अगर तू ना होता तो हम पर ये मुसीबत नाजिल ना होती, हम पर ये तकलीफ़ नाजिल ना होती, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते। हालांकि मोमिन की शान ये है कि वो तकलीफ़ हो या खुशी हो, गम हो या खुशी हो, हर चीज़ को वो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ ही मंसूब करता है कि अल्लाह की जानब से है, और अगर उस पर आजमाइश आ जाए, तकलीफ़ आ जाए तो उस पर वो सब्र करता है, और अगर खुशी हो जाए यानी कोई उसको इनाम मिल जाए तो उस पर अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र बजा लाता है। तो ये मोमिन की निशानी होती है और कभी भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसकी नस्बत नहीं करता। उसके बाद अकीदा नंबर सड़सठ ये है कि हमने तमाम के तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना है। सिर्फ एक नबी पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है, अगर हम एक नबी पर सिर्फ ईमान लाएं बाकियों का इनकार कर दें तो ऐसा आदमी अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक दायरा इस्लाम से खारिज होता है। उसकी वजह यह है कि सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम पर ईमान इसलिए लाया जाएगा क्योंकि सारे के सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम का दीन एक था। जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम गुजरे हैं सबका दीन इस्लाम ही था, सबका कलमा एक जैसा था और सब ने अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत का जिक्र किया, अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत को बयान किया और अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत की तरफ लोगों को बुलाया और इसी की दावत दी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम का जो दीन था वो एक ही था। इमाम तहावी रहमतुल्लाह इसके बारे में फरमाते हैं وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ और हम सब के सब ईमान वाले इस पर ईमान लाते हैं ला نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِ कि हम रसूलों के दरमियान तफरीक नहीं करते, यानी किसी एक रसूल को बारे में भी किसी एक रसूल के बारे में भी हम ये नहीं कहते कि हम उस पर ईमान नहीं लाते, हम किसी के दरमियान तफरीक नहीं करते बल्कि सब पर बराबर ईमान लाते हैं और सबको अल्लाह तबारक व ताला का बरगुज़ीदा अम्बिया समझते हैं और यही अकीदा हम रखते हैं। वनुसद्दिकु कुल्लहुम अला मा जाऊ बी और हम तस्दीक करते हैं उन सब की उस चीज़ की जो वो लेकर आए, यानी वो हर पैगंबर एक दीन लेकर आया है, एक शरीयत लेकर आया है, यानी उसने दीन की दावत दी है, जिस दीन की भी उसने दावत दी है उस दीन पर हम ईमान लाते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं, यानी अहले सुन्नत वल जमात इसका अकीदा रखते हैं और किसी एक नबी की भी तौहीन के मुर्तकिब नहीं होते और किसी एक नबी का भी इनकार नहीं करते। पहले जो बनी इसराइल के अंदर ये आदत थी कि
वो दूसरे अम्बिया जो थे यानी बनी इसराइल के जो अम्बिया थे उनको तो वो मानते थे, लेकिन जो दूसरे अम्बिया थे जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये ईसाइयों के अंदर आए, तो यानी वो भी उन्हीं बनी इसराइल के अंदर ही आए, लेकिन बनी इसराइल ने उनको ये कहकर इनकार कर दिया कि आखिरी नबी हमारे तो मूसा अलैहिस्सलाम हैं, ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी नहीं हैं। तो जिन लोगों ने मान लिया उन्होंने कहा कि अगर आपके नबी नहीं हैं तो ये हमारे नबी। तो इस तरह उन्होंने तफरीक की, बाज़ अम्बिया पर उन्होंने ईमान लाया और बाज़ अम्बिया पर उन्होंने ईमान नहीं लाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वयकूलूना नुमिनु बिबाज़ व नकफुरु बिबाज़, कि कुफार क्या कहते थे कि हम इनकार करते हैं बाज़ को बाज़ अम्बिया का और बाज़ पर हम ईमान लाते हैं। व युरीदूना अन यत्तखिज़ू बैना ज़ालिका सबीला, और वो ये इरादा करते हैं कि उनके दरमियान एक सबील बना लें, एक दीवार खड़ी कर दें, एक तफरीक खड़ी कर दें, यानी दोनों के दरमियान फ़र्क कर दें कि ये मेरा नबी है तो ये अच्छा है, ये तुम्हारा नबी है तो ये अच्छा नहीं है। तो ये कुफार की आदत थी। तो आले सुन्नत वल जमात जो मुसलमान हैं ये इस तरह का अकीदा नहीं रखते, किसी नबी की तोहीन नहीं करते। अगर कोई भी किसी नबी की तोहीन करता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज समझा जाता है। और इसी तरह अकीदा नंबर 68 जो है कि आहले कबायर जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा नहीं रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके बारे में इमाम तहावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वो आहलुल कबायर मिन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिन नारी ला यद ला यखलुदून, के जो कबीरा गुनाह करने वाले लोग हैं उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से वो जहन्नम के अंदर हमेशा नहीं रहेंगे। इज़ा मातु वहुम मुवहिदूना, इस हाल में कि वो मरे हालांकि वो अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत के कायल थे, यानी उन्होंने शिर्क नहीं किया, शिर्क के अंदर मुबतला नहीं थे। वइल्लम यकूनू ताइबीना बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल आरिफीना, अगरचे उन्होंने तोबा नहीं की, यानी वो इस हाल में फोत हो गए, इस हाल में वो मर गए कि उन्होंने तोबा नहीं की और अपने गुनाहों पर तायब नहीं हुए, और इसी हाल में अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पहुंच गए और आरिफीना, अल्लाह तबारक व ताला की मारफत उनको हासिल थी, यानी अल्लाह तबारक व ताला को पहचानते थे, अल्लाह तबारक व ताला के बारे में वो अकीदा रखते थे, अल्लाह तबारक व ताला को पहचानते थे। आरिफीना का माना है मोमिनीन, यानी अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान लाते थे। वहुम फी मशीयत ही व हुक्म ही, और वो अल्लाह तबारक व ताला की मशीयत में है और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म में है, यानी अल्लाह तबारक व ताला चाहे तो उनको जहन्नम के अंदर दाखिल ही ना करे, यानी जो आले कबायर हैं जो कबीरा गुनाह करने वाले बगैर तौबा के फौत हो जाएं, तो अल्लाह तबारक व ताला अगर चाहे तो उनको बिल्कुल भी जहन्नम के अंदर दाखिल ना करे, और अगर अल्लाह तबारक व ताला चाहे तो उनको जहन्नम के अंदर दाखिल कर दे, लेकिन बिल आखिर उस कलमे की वजह से जिस कलमे पर वो कायम थे अल्लाह तबारक व ताला उनको ज़रूर उस जहन्नम से निकालेंगे और उनकी मग़फ़रत करेंगे। इंशा गफर लहुम माफा अनहुम बिफज़ली, वही बात अल्लाह तबारक व ताला ने जिक्र फरमाई कि यानी अल्लाह तबारक व ताला चाहे तो उनकी मग़फ़रत कर दे और उनसे दरगुजर कर दे अपने फजल की वजह से, यानी कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ये ना कहे कि मैं इस काबिल था या मैं बादशाह था या मैं फलां था चौधरी था, इस वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी मग़फ़रत कर दी या मुझसे दरगुजर की, बल्कि वहाँ पर किसी की चौधराहट नहीं चलती, किसी का बड़ापन नहीं चलता, बल्कि वो अल्लाह तबारक व ताला से के फजल से जो कुछ भी होगा अल्लाह तबारक व ताला के फजल की वजह से होगा, किसी की मर्जी और मंशा की वजह से नहीं होगा। कमा قال الله تعالى عز وجل في كتاب العزيز, जैसे कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान अजीज के अंदर फरमाया इन अल्लाह ला यغفر ان يشرك به, कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला मुशरिक की मग़फ़रत नहीं फरमाएंगे, व यغفر ما دون ذلك لمن يشاء, और इसके अलावा यानी शिर्क के अलावा अल्लाह तबारक व ताला जिसको चाहेंगे उसको माफ़ कर देंगे। व इन शा अज़बहुम फिन्नार, अगर अल्लाह तबारक व ताला चाहें तो उसको उनको अजाब दें आग के अंदर अपने अदल की वजह से। सुम्मा युखरिजुहुम मिन्हा बिरहमतिही व शफाअति शाफ़ईन मिन अहली ताअतिही, या अल्लाह तबारक व ताला चाहें तो उनको निकाल दें जहन्नम से अपनी रहमत की वजह से, या तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत की वजह से उनको निकाल देंगे या फिर उनके बारे में कोई सिफारशी होंगे
यानी अम्बिया सिफारिश करेंगे या नेक लोग जो आले ताहत यानी अल्लाह तबारक व ताला के बरगुजीदा लोग होंगे वो सिफारिश करेंगे, उलमा सिफारिश करेंगे, जिस तरह बहुत सारे लोग जिस तरह हुफाज हैं वो सिफारिश करेंगे, आदिल हुक्मरान सिफारिश करेंगे। इसी तरह बहुत सारे लोगों के बारे में आता है कि वो अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ शाफी होंगे, अल्लाह तबारक व ताला से लोगों के बारे में सिफारिश करेंगे। तो ऐसे लोगों की सिफारिश की वजह से या तो वो जहन्नम से निकलेंगे या अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत की वजह से उनको निकालेंगे। सुम्मा यबअसुहुम इला जन्नतिही, फिर अल्लाह तबारक व ताला अपनी जन्नत की तरफ उनको भेज देंगे। यानी हदीस मुबारक में आता है कि जन्नत के बाहर एक नहर होगी और वहाँ जब अहले जहन्नम को वहाँ जहन्नम से निकाल लिया जाएगा और उस नहर के अंदर गोता दिया जाएगा और पाक साफ करके यानी गुनाहों से बिल्कुल वो पाक हो जाएगा, फिर अल्लाह तबारक व ताला उसको जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देंगे। वज़ालिका बिअन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल, वो ये सब कुछ इस वजह से होगा कि अल्लाह तबारक व ताला तवल्ला अहले मारिफतिही, अपने अहले मारिफत से के साथ अल्लाह तबारक व ताला दोस्ती करना चाहते हैं। यानी अल्लाह तबारक व ताला ये चाहते हैं कि जो मेरी मार्फत हासिल कर ले मैं उसका दोस्त बन जाऊँ। वलम यजअलहुम फिद्दारैनी कअहली नुकरतिही लज़ीना खाबू मिन हदायती, और अल्लाह तबारक व ताला नहीं चाहते कि उनको बनाए फिद्दारैनी दोनों जहानों के अंदर जिस तरह कअहली नुकरतिही जिस तरह के मुनकरीन थे, अल्लज़ीना खाबू मिन हदायती जो अल्लाह तबारक व ताला की हदायत से मारूम रहे, वलम यनालू मिन विलायतिही और अल्लाह तबारक व ताला की विलायत को और अल्लाह तबारक व ताला की दोस्ती को वो नहीं पहुंच सके। फिर इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने एक दुआ जिक्र फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा या वलीयल इस्लाम व अहली, ए अल्लाह जो इस्लाम और अहले इस्लाम का दोस्त है, सब्बितना अलल इस्लाम, हमें इस्लाम पर साबित कदम रख, हत्ता नलकाका बिही, यहाँ तक के हम आपसे इसी हाल के अंदर यानी इस्लाम के साथ ही आपको मिले। तो इसके अंदर पहले एक फिरके का मैंने जिक्र किया था जिसका मुतज़िला कहा जाता है, एक खवारिज का मैंने जिक्र किया था और उनका यह अकीदा भी पहले मैंने जिक्र कर दिया कि उनका अकीदा यह है कि जो आदमी गुनाह कबीरा करता है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि जो आदमी गुनाह कबीरा करता है वो दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होता, हाँ ये है कि वो कुफर के करीब पहुंच जाता है, यानी अपने गुनाहों की वजह से कुफर के करीब पहुंच जाता है, बहरहाल वो कुफर के अंदर दाखिल नहीं होता बल्कि कुफर के करीब हो जाता है, यानी ऐसे असबाब उसने इख्तियार कर लिए जो उसको कुफर तक ले जाएंगे, अगर वो इन्हीं पर कायम रहा और ऐन मुमकिन है कि वो ईमान से भी चला जाए, यानी ये असबाब उसके लिए बन जाए कि वो ईमान से ही महरूम हो जाए। तो इसी वजह से गुनाह कबीरा से बचना ज़रूरी है ताकि ये हमारे लिए कुफर का सबब ना बन जाए या कुफर के करीब हम ना पहुँच जाएँ। बहरहाल अहले सुन्नत वल जमात का यही अकीदा है कि जो आदमी भी गुनाह कबीरा करता है वो हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर नहीं रहेगा बल्कि बिल आखिर अल्लाह तबारक व ताला उसको अपनी रहमत की वजह से या जो सिफारशी होंगे उनके शफात की वजह से उनकी सिफारिश की वजह से अल्लाह तबारक व ताला उसको जहन्नम से निकाल देंगे और जन्नत के अंदर उसको दाखिल फरमा देंगे। फिर इसके अंदर उम्मत मोहम्मद का इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया है, तो ये उम्मत मोहम्मद का ऐसे खसूसियत के साथ इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ऐसा आदमी है जो उम्मत मोहम्मद से नहीं है लेकिन वो अल्लाह तबारक व ताला पर सही अकीदा रखता है और पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ उनका ताल्लुक था या उन पर उसका ईमान था, या ऐसा आदमी था कि जिसने किसी नबी से कोई मुलाकात भी नहीं की लेकिन उसका अकीदा अल्लाह तबारक व ताला के बारे में दुरुस्त था, तो वो भी इन लोगों के अंदर दाखिल होगा और अल्लाह तबारक व ताला उस ईमान की वजह से कि जो उसने अल्लाह तबारक व ताला पर लाया और अल्लाह तबारक व ताला के साथ शिर्क के अंदर मुब्तला नहीं हुआ, तो अल्लाह तबारक व ताला उस आदमी को जो उम्मत मोहम्मद से नहीं होगा उस आदमी को भैया अल्लाह तबारक व ताला बिलाखिर जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देंगे। वइल्लम यकूनु, यहाँ इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगरचे उन्होंने तोबा ना की हो, यानी ऐसे लोग जो बग़ैर तोबा के फोत हो गए, तो अल्लाह तबारक व ताला उनको क्या करेंगे, इल्ला मन ताबा, इमाम कुरान करीम के अंदर भी जिक्र है इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन, कि एक आदमी ऐसा है जिसने तोबा की
और ईमान लाया और अमल सालेह भी किया, अल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में फरमाते हैं फौलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बुराइयों को नेकी के साथ बदल देते हैं। यानी जितने भी उसने गुनाह किए होते हैं, जो आदमी तौबा करता है तो उसका इनाम ये होता है कि उसके जितने भी गुनाह होते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को नेकियों के साथ बदल देते हैं, उसके खाते के अंदर यानी उसके नामा आमाल में नेकियां लिख ली जाती हैं। और एक हदीस मुबारक के अंदर भी आता है अत्ताइबु मिन ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला, के गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने गुनाह किए ही नहीं है। तो इसी वजह से जो आदमी भी गुनाहों से तौबा करता है तो उसको इस बात का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया है और वो अपने गुनाहों से ऐसे ही हो गया है। जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है तो उसके सर पर कोई गुनाह नहीं होते, तो तौबा के बाद आदमी इस तरह गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है। तो अपने हक के लिए, अपनी ज़ात के लिए ख़ास तौर पर अपने आप को दुआओं के अंदर ज़रूर याद किया करें, और लोगों के लिए तो दुआएं करते रहते हैं, अपने लिए भी खुसूसी तौर पर दुआएं किया करें, क्योंकि आप अपने लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने आरिफीन का जिक्र फरमाया कि आरिफीन कौन लोग हैं। आरिफीन आले मार्फत को कहते हैं, यानी अल्लाह तबारक व ताला की मार्फत जिनको हासिल है। अब अल्लाह तबारक व ताला की सिर्फ मार्फत ही काफ़ी है तो अल्लाह तबारक व ताला की मार्फत काफ़ी नहीं है। जो अल्लाह तबारक व ताला की यानी यह समझता है कि मुझे अल्लाह तबारक व ताला की मार्फत हासिल हो जाए और ये मेरे लिए बायस निजात हो जाएगा, तो अल्लाह तबारक व ताला की मार्फत बायस निजात नहीं होगी, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान लाना और ज़रूरियात दीन पर ईमान लाना भी ज़रूरी होगा। यानी जो चीज़ें मैंने जिक्र की उन सब चीज़ों पर ईमान होगा और उसके साथ साथ मार्फत होगी तो वो मार्फत काम आएगी। अब इबलीस के पास मुकम्मल अल्लाह तबारक व ताला की मार्फत थी, यानी अल्लाह तबारक व ताला को मुकम्मल तौर पर पहचानता था, अल्लाह तबारक व ताला की मार्फत उसको हासिल थी। इसी तरह जो आदमी जिस तरह बड़े बड़े फिरौन जिस तरह गुजरा है, नमरूद गुजरा है, इनको भी अल्लाह तबारक व ताला की मार्फत थी कि यानी अल्लाह तबारक व ताला को ये जानते थे, लेकिन इनके दिमाग का खलल था जिसकी वजह से ये समझते थे कि शायद हमारे पास भी ताकतें हैं, हमारे पास भी कुव्वतें हैं। जिस तरह अभी उस्ताद जी भी जिक्र फरमा रहे थे कि कोई चीज़ आदमी देख लेता है तो वो समझता है शायद मेरे पास भी कुछ आ गया है और मैं भी किसी चीज़ का मालिक हो गया हूँ, मेरे पास बड़ी ताकत है। तो इस तरह बाज़ दिमाग का फतूर हो जाता है या दिमाग में खुश्की आ जाती है इस तरह के, तो फिर इस तरह के वाक़यात वो बंदे के साथ आ जाते हैं। तो सिर्फ मार्फत होना काफ़ी नहीं है, इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि सिर्फ मार्फत होना काफ़ी नहीं है बल्कि मार्फत के साथ साथ आमाले सालहा का होना भी ज़रूरी है। उसके बाद अल्लाह तबारक इसके बाद इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने मौला लहुम, यानी अल्लाह तबारक व ताला ईमान वालों का दोस्त है, कुफार का दोस्त नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने ये बात जिक्र फरमाई है बि अन्नल्लाह मौला लज़ीन आमनु, के बेशक अल्लाह तबारक व ताला तो मौला है उन लोगों का जो ईमान लाते हैं, जो लोग ईमान नहीं लाते वअन्न अल-काफिरीना ला मौला लहुम, और जो लोग काफिर हैं जो अल्लाह तबारक व ताला को नहीं मानते या शिर्क के अंदर मुब्तला हैं, जो दायरे इस्लाम के अंदर नहीं हैं, तो ऐसे लोगों का अल्लाह तबारक व ताला दोस्त नहीं है ऐसे लोगों के, क्योंकि वो कहते थे लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, कुफार का ये नारा था लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम के हमारा उज़्ज़ा है, यानी उज़्ज़ा उनके एक बुत का नाम था, मुशरिकीन मक्का का एक बुत था जिसका नाम उज़्ज़ा था, उन्होंने मैदान जंग के अंदर इसका नारा लगाया था कि हमारा तो उज़्ज़ा हमारी मदद करेगा, वला उज़्ज़ा लकुम, ए मुसलमानों तुम्हारा तो कोई उज़्ज़ा नहीं है। तो उसके बदले में मुसलमानों ने यह नारा लगाया था वल्लाहु मौलाना वला मौलाकुम वला मौला लकुम, कि अल्लाह तबारक व ताला हमारा मौला है, अल्लाह तबारक व ताला हमारा दोस्त है और तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है अल्लाह तबारक व ताला का। तो आप फरमा अल्लाह तबारक व ताला ने समझ लीजिए।